अगर अगर सुरेश राठौड़ आओगे तो अपने यार के पास आओगे सिर्फ। भाजपा नेता है वो भी, लेकिन सुरेश राठौड़ भी भाजपा नेता है, ऐसा क्यों? वो बेकार जी, एक रुपया काम नहीं किया क्षेत्र में कहीं भी। वो क्यों कहते हैं फिर? मैंने तो दिखाओ ना उसका काम, बताओ। हम 5 साल हो चुके सुरेश राठौड़ जी को, 5 साल में कोई कार्यालय नहीं करा। हम जो चाह रहे हैं अब जो 5 साल में जो बदलाव हो, तो ऐसा वक्त चाहिए सुभाष चंद्र जी नेता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजाहिदपुर सत्तीवाला में, जो कि जवालापुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के जो निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे पूछेंगे आखिरकार जो मौजूदा विधायक है सुरेश राठौड़ जी, उन्होंने कितना काम किया है और क्या वे चेहरा बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन पर संगीन आरोप भी लगे थे। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा रैली की गई थी, मुर्दाबाद के नारे भी उनके लिए लगे थे, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंसूर। क्या चाहते हैं आप कि बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव होना चाहिए। जो मौजूदा विधायक हैं आपके, उन्होंने कितना काम आपके क्षेत्र में किया? कुछ नहीं किया जी। आते नहीं क्या विधायक? नहीं जी, हमने तो कभी नहीं देखे 5 साल में। वो तो कहते हैं कि मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए और विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कार्य करके दिखाया, ये बातें कर। नहीं जी कुछ नहीं किया उन्होंने 5 साल में। तो कुछ नहीं किया? नहीं जी। तो जनता कह रही है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, आप कर क्या नाम है? मेरा नाम पाल लाई। क्या कहेंगे आज आपका, कौन सा गाँव है आपका? लाम भाई मेरा गाँव। अच्छा, क्या कहेंगे आज विधायक जी के लिए? मैं तो ये विधायक जी ने कुछ नहीं करा। सड़कें, जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया हो या रोजगार पे ध्यान दिया हो? हमारी तरफ तो गारा जुगा तो पड़ा गलियों में गारा जुगा तो पूरा जुगा तो पड़ा, कोई निस्तारण नहीं। नहीं नहीं कोई। अगर सुरेश राठौड़ आओगे तो अपने यारों के पास आओगे सिर्फ। जो सुरेश राठौड़ आते हैं तो जो संपर्क है उनसे, उनके पास जो उनके संपर्क के यार हैं उनके पास ही आते हैं। ये पार्टी तो बहुत बढ़िया है, भाजपा पार्टी जो है तो बहुत बढ़िया पार्टी है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता ये इस पार्टी को डबोकर बैठेंगे बस। हाँ, अब तो हम यही चाहते हैं कि सुरेश, ये हमारे जो चंचल जी, इनका पर्चा आ जाना चाहिए। चंचल जी की यहाँ बात की गई है, आप क्या कहेंगे बाबू जी? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या कहेंगे सुरेश राठौड़ जी यहाँ मौजूदा विधायक हैं आपके, कितना काम उन्होंने कराया है? क्या शिक्षा को लेकर उन्होंने ध्यान दिया है, बेरोजगारी पर उन्होंने ध्यान दिया है, या सड़कों को लेकर उन्होंने ध्यान दिया? काम कुछ नहीं करते हैं। हमने नाले के बारे में कहा था, अब भी नाले साइड टूटी पड़ी और आया गड्ढे में उछले भी नहीं है, बिस्तरी बट्टे बट्टे कह रहे खोजेगा खाली बस। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने घोषणाएं यहाँ पर की हैं, क्या लगता है आपको जमीन पर उतर पाएंगी घोषणाएं? हाँ जी, मुख्यमंत्री घोषणाएं जमीन पर उतर पाएंगी ना। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? कश्मीरा जी। क्या कहेंगे आप मौजूदा विधायक के लिए? विधायक के लिए ही जो, हमने तो कभी आप शकल नहीं देखी, कभी ना कुछ दिखा ही नहीं। हम तो आपने शकल ही नहीं देखी मौजूदा विधायक की? वोट तो देते होंगे ना आप भी? देते वोट दिए, सब कुछ दे, सब कुछ काम है उनके, सब कुछ। फिर आते क्यों नहीं है विधायक जी के जो कार्य है उनसे कितना संतुष्ट हैं? वो तो संपर्क उनके जितने बड़े बड़े आइडिया उनके दोनों बैठे अपना चले गए अपना, और क्या अपना काम करे अपना चले। के काम से आप खुश नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ परिवर्तन चाहता अभी। भाजपा से सुरेश राठौड़ से नहीं, ये क्या चंचल, मतलब चंचल जी को यहाँ पर लाना चाहते हैं आप? चलिए चंचल जी की बात हुई है, सुबोध चंचल जी उनका नाम पूरा, क्या कहेंगे? मेरा नाम सोमपाल है जी, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी गली में आज तक भी पानी गोड्डो गोड्डो भर रहा है जी। मैं राठौड़ का आज तक शिकल नहीं देखी, कभी भी शिकल नहीं देखी। इधर के पास में गए, एप्लीकेशन लगाई है कि आता हूँ, 8 दिन में आता हूँ, 10 दिन में आता हूँ, आज तक तो आ रही, 2 महीने हो लिए जी। तो यहाँ पर जो सुरेश राठौड़ जी आपके विधायक हैं, यहाँ पर आते नहीं, और आते हैं तो अपने लोगों के पास आते हैं, आदमियों के पास में रह गए, सभा गए बस, उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। विकास कार्य नहीं हुए? कुछ नहीं आज हमारे गाँव में, कुछ नहीं है यार। स्कूल खोला गया हो बच्चों? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी ना जी। तो दोस्तों देखिए, आप आपको बता दूं, यहाँ पर मौजूदा विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, उन ये जो ग्रामवासी हैं कह रहे हैं कि आते तो हैं विधायक जी, लेकिन अपने लोगों के पास आते हैं, अपने लोग यानी कि पार्टी के लोग होंगे, लेकिन जो जनता है उनसे जुड़ाव मुझे लगता है कम है, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, मैं ग्राम बंजारे वाला से हूँ। 5 साल हो चुके सुरेश राठौड़ जी को, 5 साल में कोई कार्यालय नहीं करा। हम जो चाह रहे हैं अब जो 5 साल में जो बदलाव हो, तो ऐसा वक्त चाहिए सुभाष चंद्र जी नेता जी हैं, अगर वह यहाँ सीट, यहाँ विधानसभा पर सीट पर लड़े हैं, तो इंशाल्लाह 100% यहाँ वो विधान वो विधायक बनाएंगे। और अगर ये इन्हें दोबारा नहीं टिकट दिया सुरेश राठौड़ जी को, सीट नहीं निकलने की। मतलब
मतलब सुरेश राठौड़ जी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्य तो नहीं किए, लेकिन सुबोध चंचल जी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वे पार्टी से सीट निकाल देंगे। चलिए जानते हैं उस और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल जी। क्या कहेंगे आज? मैं तो यही कहूँगा कि राठौड़ जी अच्छे नहीं है। हाँ, काम विकास कार्य नहीं किए, काम नहीं किए उन्होंने। वो क्यों कहते हैं फिर विकास कार्य कर दिए उन्होंने, जो जो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है? कोई झूठ बोल ले, ये इतना बड़ा पुल बना दिया, पहले ही पास आया पूरा, पहले ही पास हुआ। हाँ, उन्होंने थोड़ा ही बना दिया, ये तो पहला ही है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? हम तो राठौड़ जी को बदलना चाह रहे, राठौड़ जी को बदलना चाह रहे। हाँ, तो जनता की मुझे लगता है कि आवाज़ है कि राठौड़ जी को बदलना चाहती है, आप क्या कहेंगे बाबू जी? जी, हम तो तीन योजना है, तीसरी योजना सुभाष चंचल जी को वोट दे रहे हैं, ये जो बच्चे हैं यही बस्ता बुस्ता लेकर बैठे हैं। सुरेश राठौड़ जी को बदलना चाह रहे हैं आप? हाँ, हम तो तीन साल तो हमारे तीसरी योजना, हम तो बदलना ही चाह रहे। बाबू जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? चंचल जी को चाह रहे जी, हम और कुछ नहीं चाहते। चंचल जी को चाहते हो यहाँ से? भाजपा नेता है वो भी, लेकिन सुरेश राठौड़ भी भाजपा नेता है, ऐसा क्यों? वो बेकार जी, एक रुपया काम नहीं किया क्षेत्र में कहीं भी। वो क्यों कहते हैं फिर? मैंने तो दिखाओ ना उसका काम, बताओ हम बताओ कौन सा काम किया। हाँ, आपके लिए कोई पेंशन योजना या कुछ ऐसी योजना? पेंशन तो योजना में पेंशन तो मैं ही बनवा दूँ उनकी और। हाँ जी, हाँ चलो, सुरेश राठौड़ जी को ये अभी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि भाई पेंशन तो यही बनवा देंगे उनकी, ये वो क्या बनवाएंगे? सर, हम तो सुभाष चंचल से ही पहले से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे नमस्ते भी दुआ सलाम। क्यों जुड़े हुए? मतलब उनका हमारा एक प्यार है। राठौड़ भी तो विकास कार्य कर रहे? नहीं, विकास कार्य नहीं वो कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे कि भाई हमने सुभाष चंचल जी हमसे जब भी आते हैं नमस्ते दुआ सलाम करते हैं मिलते जुलते, और वो कभी एरिया में मिलते जुलते भी नहीं किसी से, नहीं। अब वो मिलते होंगे पार्टी वालों से। अभी चुनाव आने वाले हैं 2022, क्या करोगे फिर? हम तो सुभाष चंचल के साथ रहेंगे जी। राठौड़ जी के साथ नहीं? नहीं, नहीं है। चलिए, और भी हैं यहाँ पर सर, आप क्या कहें? हम तो भाई सुभाष चंचल जी के साथ हूँ, सुभाष चंचल जी को ही वोट देंगे। सुभाष चंचल जी भी बीजेपी के ही हैं, राठौड़ जी भी बीजेपी के ही हैं, विकास कार्य करा रहे हैं। तो हम तो भाजपा को ही देंगे वोट, बस भाजपा को देंगे, लेकिन जब टिकट होगा तब? ये सुभाष चंचल का टिकट होगा आपको। अच्छा, टिकट सुभाष चंचल जी का होगा जी। जो गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और उन मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे उसको लेकर, उसके बारे में कुछ नहीं? ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम तो यही चाह, हम तो इसके साथ जुड़े हैं, हम तो इसी के साथ रहना चाह रहे हैं, इसे टिकट होना चाहिए। बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कोई सुनाई हो, बैंकों में जाएंगे वहाँ दूर पर वेरे कोई सुनाई नहीं कहीं भी है। हाँ, ये जहाँ भी हम फोन करेंगे जी भी आधी रात भी तैयार है मार ली हुई। हम इन लोगों को काम नहीं कराते का? सुरेश काम नहीं करा रहे जी, बैंक में भी मैनेजर धमका के भेज रहे हैं, ये कोई तरीका है इनका बैंकों में? बाबू जी के अभी मुझे लगता है कि हाथ नहीं है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या क्या योजनाएं आपके लिए लाए हैं कुछ? मेरी खातर कुछ नहीं लाई जी, देख लो किया? एक 50,000 रुपए घोषणा करी थी उन्होंने, 25,000 रुपए दुआ इन्होंने, उन्होंने और कुछ नहीं करा। 50,000 रुपए की घोषणा के बाद भी 25,000 आए? हाँ जी। चलिए ठीक है, और से बात कर लेते हैं। बाबू जी हमारे साथ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ के, क्या कहेंगे सर आज? साहब, हम चंचल जी के साथ हैं, चंचल यहाँ से सीट काट सकूँ, इसकी साथ तो हम जितनी जनता मुसलमान हरिजन सैनी और जात सब इसके साथ ही हैं। अगर इस आधी रात बुलाता आधी रात तैयार हो। राठौड़ जी के साथ क्यों नहीं है? उसके साथ तो उसके तो ना ही ना तुम्हारे आगे। हाँ, क्यों ना? वो तो बेकार है बिल्कुल। आखिरकार क्यों है ऐसा? क्या कह दूँ, जो कह दिया तो गलत हो जाएगा काम। नहीं नहीं, कह दीजिए आप अपने मन की बात, तो कहेंगे आज आप? यार, ऐसे आदमी के साथ रहना ठीक नहीं। जो दूसरे के आगे देख। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा विरोध का सामना सुरेश राठौड़ को करना पड़ रहा है। इस ग्रामवासी कह रहे हैं कि आते हैं लेकिन मिलते नहीं, ग्रामवासियों का काम नहीं करते, और भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर आज आप? जी, हमने ये सुभाष चंचल ने टिकट होना चाहिए, तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं सुरेश राठौड़ में। समस्याएँ क्या हैं? हाँ, जो विधायक पिछला सुरेश राठौड़ है, इसे कुछ नहीं कराया, यहाँ जनता सब इस पर सुभाष चंचल पर खुश हैं, अगर इन्हें टिकट होता हो तो यह सीट निकल जाएगी। आप क्या कहेंगे सर? ये सुभाष चंचल जी का टिकट होना चाहिए। ये राठौड़ जी हैं, इन्होंने कोई कार्य नहीं दिया, 5 साल हो गया। मैं मानुबार के रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ एक रोड का है, क्या नाम, श्याम सिंह,
उसके यहाँ आता और किसी के यहाँ नहीं आया, और चला गया अपना। ग्रामवासियों से मिलते नहीं, उनकी जो समस्या है उनके साथ में शेयर नहीं करते, किसी से नहीं मिलते। इसका बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बाबू जी कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी बाबू जी, गुस्से में लग रहे मुझे लग रहा है। अगर राठौड़ को टिकट होता तो हम वोट कांग्रेस को देंगे सब। अगर राठौड़ जी को टिकट होता है तो वोट कांग्रेस को देंगे। हाँ, ये नहीं देने की बिल्कुल भी। हाँ, सीधा सीधा ग्रामवासियों का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे सर? ऐसा जो सुभान चंचल है उससे बढ़िया कोई हमने देखा नहीं अलग नेता। क्यों? क्योंकि ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, सुरेश राठौड़ ने 5 साल पूरे कर लिए। अगर मुझे बता दो, मैं गांव मुजादपुर का, मेरा नाम मेहरबान है, गांव मुजादपुरी मेरा। अगर उसे थोड़ी सी ने सड़क बिछवाई थोड़ी सी, वो भी बाल नहीं तो 5 साल के बाद वो कोई भी कार्य कराओ, कोई भी नहीं करा। एक थोड़ा सा काम रह रहा और भी नाले में पानी भर रहा, उसे काम ने भाई ऐसा बड़े मुजादपुर में रास्ता निकल रहा। इसमें थोड़ी समस्या, थोड़ा सा आप वो जार से बचवा दो, मना कर दी भाई, मैं नहीं करवाता काम। बदलाव चाहते, बदलाव चाहते हम तो, बस और कुछ नहीं। हम तो सुरेश राठौड़ तो इनका वही ना इलाके में। मैं यह कहना चाह रहा, राठौड़ जी से इसलिए लोग नफरत करते हैं, वो गरीब से और किसी भी ताल्लुक नहीं रखते। और जो सुभाष चंचल जी हैं, 5 साल के बच्चे से लगा 100 साल बुढ़े तक की अपनी बात करते हैं, और उन्होंने 15 साल पार्टी को बहुत मेहनत करी। ये पार्टी वालों का मैं कहना आपके माध्यम से कह रहा हूँ पार्टी वालों से, कि टिकट इसे सुभाष चंचल भी होना चाहिए। अगर सुभाष चंचल को टिकट होगा तो सीट निकल सका, हंडी नहीं निकल रही, हम दावा करें इस बात का। तो यहाँ पर सीधा सीधा ग्रामवासी कह रहे हैं कि भाई अगर सुरेश राठौड़ को टिकट होगा तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब ये तो भविष्य के गर्व में है कि टिकट किसे होगा और जीतेगा कौन, ये नेतृत्व तय करेगा कि जो टिकट है वो किसे देना चाहिए। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि यहाँ पर विधायक जी आते तो हैं लेकिन अपने आदमियों से मिलते हैं, ग्रामवासियों से कोई सरोकार नहीं है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।